अगर कोई भी डॉक्टर मेरा ये वीडियो देख रहा है तो आपको सैल्यूट है, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सर्विसेज। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग सब। तो सुबह से ना मेरा हल्का हल्का सर दुख रहा था, और तो मैं ना एक पर्टिकुलर दवाई लेता हूँ आइबुप्रोफिन। तो मैं CVS जा रहा हूँ और देखता हूँ कि CVS चालू है कि नहीं चालू। यहाँ GPS में तो दिखा रहा है, जो कि गूगल मैप्स में वहाँ दिखा रहा है कि बंद है, बट जाके देख लेते हैं अभी। अगर ओपन रहा तो ठीक है, ले लेंगे दवाई, नहीं तो फिर रेशमा के पास एक दूसरा ऑप्शन है, वो लेके देखूंगा कि अगर उससे ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा, नहीं तो थोड़ा टाइम ना खाना खा के सो जाऊंगा। और मैं जा ही रहा था तो मैंने सोचा कि आप लोग को साथ में लेके चलूँ और आप लोग को भी दिखा दूँ कि यहाँ की रात की सिचुएशन कैसी है। चलो भाई। तो भाई कितना अंधेरा है बाप रे, ये टाइम पे लिटरली जिक सी टाइम पे पब्लिक दिखती थी मुझे ड्राइव करते हुए। हां क्लास से आती थी कि ये टाइम पे मैं 9:30 बजे तो क्लास से वहां से निकलती थी, और यहां पर कितना मुझे पब्लिक दिखते थे, मतलब पब्लिक मतलब गाड़ी देखना ऐसा लगता आधी रात को निकले ना हम लोग। है नहीं ना कोई भी। क्या टाइम हो रहा है अभी? 8:30, 9 बज रहे ना, ऑलमोस्ट 9 बजने आ रहे हैं। ऐसा लग रहा आधी रात को मिडनाइट में निकले है ना। ये फूड लाइन ही है, जाइंट नहीं, इसलिए मैं पूछ रही थी तुम लोगों को कि जाइंट है क्या उधर भी। अच्छा, पब्लिक को अभी भी बाहर से इधर से खाने का है, बाहर से देख गाड़ी देख चालू है कि बंद है। वॉलमार्ट का जो सेक्शन है ना मेडिसिन का, वो बंद हो जाता है जल्दी। और तो ये CVS फार्मेसी है, ये मेडिकल शॉप है यहाँ का। तो अभी यहाँ पर आया था, मैं सोचा ड्राइव थ्रू में जाऊँगा और दवाई लेके चला जाऊँगा, इसलिए मैं मास्क लेके नहीं आया। तो अभी यहाँ पर आए तो पता लग रहा है कि ये बंद है, और इसका जो दूसरा ब्रांच है ना यहाँ से 1 घंटा दूर है। सामने यहाँ पर अभी देख रहे हो ना आप लोग, ये सामने सारे रेस्टोरेंट्स हैं छोटे छोटे, वो टाको बेल है मैक्सिकन रेस्टोरेंट, ये है किंडरगार्टन केयर, बट अभी तो सब बंद है। देख लो आप यहाँ का सिचुएशन कैसा है। अभी रात के इस टाइम पे मैं आया था यहाँ पर, तो मैंने सोचा आप लोग को थोड़ा सा यहाँ दिखा देता हूँ कि यहाँ पर मॉल, यहाँ पर मतलब ये जो ग्रोसरी स्टोर है, यहाँ पर शॉपिंग का जो सिचुएशन है कैसी चल रही है। तो आप लोग को दिखा देता हूँ कि ये देखो VIP नेल्स, ये नेल्स का सेक्शन है जो कि बंद है। सबवे ये भी बंद है, अभी टाइम हो रहा है 8:10, तो सब कुछ बंद है। ये देखो ये एनी टाइम फिटनेस ये भी बंद है, और ये डॉलर ट्री है सामने, डॉलर ट्री ये भी बंद है। तो मेरे साथ रेशमा और जिगिशा भी दोनों आए थे, क्योंकि हम लोगों ने सोचा था कि ड्राइव थ्रू में जा रहे हैं इसलिए मास्क लेके नहीं आए, ड्राइव थ्रू में जाके सीधा अपना दवाई लेके निकल जाएंगे। अगर डॉलर ट्री आप लोग को पता नहीं क्या है, तो यहाँ पर सारा सामान है, $1 का मिलता है, $1 का एक सामान। किसी दिन आऊँगा जब ये सब ठीक हो जाएगा तो आप लोग के लिए सारी वीडियोज़ बनानी है मुझे, बट अभी के लिए तो मैं घर जा रहा हूँ, क्योंकि रेशमा और जिगिशा मुझे बुला रहे हैं कि चल यार कितना शूट करने लग जाता है, जहाँ पर जाता है कैमरा उठा लेते हैं। तो अभी घर पे जाते हैं और आप लोग को मैं घर पे मिलूंगा। अगर अभी दूसरा CVS जाते क्या, देखते हैं क्या। 1 घंटा दूर है तो इट्स बेटर, मेरे पास एक टैबलेट है वो खा लो तो विल बी फाइन। तो अभी घर पे ही जाते हैं, और घर पे जाके अगर कुछ नहीं तो रेशमा के पास एक दवा वो ले लूंगा और ट्राई करूंगा, अगर ठीक होता है तो ठीक, नहीं तो थोड़ा टाइम सो जाऊंगा। पूरा अंधेरा है पूरा, ये देखो ऐसा लगेगा ना कि मतलब किसी जंगल के बीच में से जा रहे हैं। और यही वो जगह है जब मैं सुबह यहाँ पर निकलता हूँ ना, तो इतना खूबसूरत है ना, आप लोगों को बता नहीं सकता। अगर आप लोगों ने मेरी वो पार्क वाला देखा ना, अमेरिका की पार्क, तो ये आगे राइट में पार्क है। ये रहा अपना स्कूल टुस्करोरा, बट अपना एरिया में उजाला है, क्या बात है, चलो अच्छा है। चलो अभी घर पहुँचे हैं, दवाई तो मिली नहीं बट कोई बात नहीं, आप लोगों से बात कर लिया तो अच्छा लगेगा। मैं सोचता हूँ कि हर दूसरे तीसरे दिन एक ब्लॉग डाल दूँ, एक वीडियो डाल दूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को यहाँ की सिचुएशन का पता लगता रहे। तो अभी मैं आप लोग को, ये आप लोगों ने देखा ना, ये मेरा घर है, ये रहा घर। अगर आप लोगों ने मेरे पहले के वीडियोज़ देखे ना, आप लोगों ने देखा होगा ये सारा एरिया है, ये देखो वहाँ मैं रहता हूँ,
और ये देखो सब बंद है, सारे अंदर गए हुए हैं घर के। अगर मैं आप लोग को यहाँ के बारे में बताऊँ तो जब मैं बॉम्बे में रहता था और मैं पंजाब जाता था पिताजी को मिलने के लिए, तो वहाँ पर कैसा सिचुएशन होती है कि सुबह सुबह 4 बजे 3 बजे सब लोग चले जाते हैं खेतीबाड़ी करने के लिए, और फिर 9 बजे तक नाश्ता हो जाता है, 12 बजे तक खाना हो जाता है, और लाइक 7-8 बजे तक डिनर होके सो जाता है। जब मैं वहाँ जाता था तो मेरे लिए सब उल्टा ही होता था, क्योंकि हम लोग तो उठते ही थे 11 बजे, और फिर 11 बजे तो नाश्ता होता था, फिर 2-3 बजे तक खाना होता था, फिर नाश्ता तो हम लोग शाम का नाश्ता तो करते नहीं थे, जो भी चटरपटर खा लिया, और बाद में कभी 9-10 बजे हमारा डिनर होता था। तो जब भी मैं गांव जाता था तो मेरे लिए थोड़ा अलग फील होता था, बट यहाँ आने के बाद आपको यहाँ की सिचुएशन बताता हूँ। और जब मैं यहाँ आया था ना तो मुझे ऐसा लगता था कि यहाँ पर तो रात भर पार्टियाँ चलती होंगी और लोग तो दिखेंगे रात तो रात, मतलब बट ऐसा कुछ भी नहीं है, सेम सिचुएशन है, ऐसा लगता है कि गांव ही है। हाँ, शहरों में भी ऐसा ही है मोस्टली, और जहाँ पर मैं रहता हूँ फ्रेडरिक में, यहाँ तो सेम सिचुएशन है। सुबह सुबह यहाँ पर लोग काम पर चले जाते हैं, दोपहर के 12-1 बजे तक उनका लंच हो जाता है, और जल्दी काम से वापस आ जाते हैं और जल्दी ही सो जाते हैं, जैसे कि अभी आप देख रहे हो ना यहाँ पर। अभी कितना बज रहा है? 9:30 बज रहे हैं, फिर भी मैंने थोड़ा लेट कर दिया आपको। मैं किसी दिन ना 7 बजे की सिचुएशन दिखाऊंगा यहाँ पर, 7, 7:30, 8 बजे की सिचुएशन दिखाऊंगा, बट कोई बात नहीं, ये लोग सो रहे हैं तो सोने दो, आराम करो, सुबह इनको उठना होगा, काम पे जाना होगा। अभी किसको काम पे जाना है? अभी कोई काम पे जाने वाला नहीं है, सब घर पे रहने वाले हैं। अरे मेरा बैग इधर ही रह जाता था, अच्छा हुआ मैं यहाँ से गुजरा। ये देखो मेरा ड्रोन का बैग साथ में लेके चल रहा था, बट आप लोगों से बात करते करते ना मेरा सर दर्द निकल गया। तो ठीक है, अभी घर पे आया हूँ, घर पे जाते हैं। अभी क्या बना रही है? रोटी। हाँ, रोटी। रोटी के साथ क्या है आज? बैंगन। रोटी के साथ बैंगन, क्या बात है। सीरियसली यार, डॉक्टर्स को और पुलिस को और जो भी सोशल सर्विस कर रहे हैं पूरी दुनिया में, उनको यार सल्यूट है। हम लोग तो घर पे बैठ सकते हैं बट वो लोग घर पे नहीं बैठ सकते, उनको काम पे जाना ही है, दूसरों की जान बचानी है यार। मैं इतना फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम में इतने सारे पोस्ट देखता हूँ, मतलब इतना डेंजरस काम है। सोचो अगर आप लोग को वहाँ पर जाना पड़ेगा जहाँ पर पता है कि आप लोग को वहाँ पर बीमारी फैली हुई है। सबसे ज़्यादा बीमारी कहाँ फैली है? हॉस्पिटल्स में, क्योंकि सबसे ज़्यादा मरीज वहीं पर आते हैं और आपको उनके बीच में रहना है और इलाज करना है। ये भी एक यार सल्यूट है उन लोगों को यार, मेरा तो नमन करता हूँ उन लोगों को मैं सबको। अगर कोई भी डॉक्टर मेरा ये वीडियो देख रहा है तो आपको सल्यूट है, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सर्विसेज। तो ठीक है, थोड़ा टाइम सोता हूँ और फिर जैसे नींद खुलेगी ना तो मुझे खाना भी खाना है, तो सोने के बाद उठ के मैं जब जैसे खाना खाऊँगा तो आप लोगों से बात करता हूँ तब, ठीक है। उठा देना मुझे अगर आप लोग ब्लॉग कंटिन्यू देख रहे हो तो। एक अच्छी सी नींद मारी, प्यारी सी, कम से कम आधा घंटा सोया रहूँगा, मज़ा आ गया और सर दर्द भी हल्का फुल्का चला गया। फाइनली 11,000 सब्सक्राइबर क्रॉस किया है, अभी भी थोड़ा टाइम पहले मैंने चेक किया यार, थैंक यू सो मच यार इतना प्यार देने के लिए। मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी इतनी फैमिली हमारी बढ़ जाएगी, थैंक यू सो मच। बहुत लोगों से मेरी ऐसी बातचीत होती है ना इंस्टाग्राम में, जो मैसेज करते हैं दोस्त जैसा, एकदम दोस्त भाई बंधु ऐसा बिहेवियर हो गया है। थैंक यू सो मच, आपको मैं दिल से थैंक यू बोलता हूँ, आई रियली लव यू यार। वो लोग तो खाना खा रहे बैठ के, बट अभी मेरा मन नहीं है खाना खाने का, क्योंकि सो के उठ के ना तभी के तभी खाना खाना ना मज़ा नहीं आता, थोड़ा आराम करता हूँ, बैठता हूँ, चिल मारता हूँ, इन लोगों के साथ बैठ के बातें बातें करूँगा और फिर बाद में खाना खाऊँगा। बट उससे पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहता था कि यार घड़ी और जूतों का शौक मुझे बहुत ज़्यादा है, बट अभी ये जो भी 2 महीने से ना मैंने सिर्फ एक ही घड़ी पहनी है, मेरी एप्पल वॉच, और अभी तो मैं पहनता भी नहीं हूँ, और जूते वही पहनता हूँ जो कंफर्टेबल होता है, मतलब किसी चीज़ की वैल्यू नहीं रही। ऐसा हो गया है कि यार जो कंफर्ट देता है ना आपको वही पहनो। ये जैकेट पहनी मुझे बाहर जाना था क्योंकि मुझे ठंड लग रही थी, ऐसा नहीं कि मुझे स्टाइल मारना है। वो भी जैकेट बहुत सारी पड़ी, लेदर की जैकेट, फोम वाली जैकेट,
दूसरे ब्रांड्स की जैकेट्स, तो मैंने बोला कि यार ये मस्त एकदम कोजी कोजी लग रही है, ये पहन के जाता हूँ। मैंने तो ये कोरोना वायरस से ना बहुत कुछ सीख लिया और मैं अप्लाई भी करूँगा अपनी लाइफ में कि यार जितना हो सके मटेरियलिस्टिक चीज़ों से दूर रहो और इंसानियत के नज़दीक आओ। अगर आप मेरी राय से सहमत है तो प्लीज़ मुझे बताना। जो भी आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ मैं, तो कुछ कुछ मैं उनको सेव करके रख लेता हूँ अपने पास और सोचता हूँ कि अपने हर वीडियोस में उनको डिस्कस करूँगा। तो ये एक है मोनिका जी, मोनिका रामगढ़िया। तो मोनिका जी, मैं भी रामगढ़िया ही हूँ और आपका जो मैसेज इतना प्यारा था कि इतने दिन कितने सी तुसी, व्हाट अ व्लॉगर रोहन, नाइस, कीप इट अप, यू डिजर्व गुड प्लेस इन यूट्यूब, लव फ्रॉम पंजाब, मोनिका रामगढ़िया। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी ऑल द लव मोनिका जी। एंड और भी बहुत सारे मैसेजेस हैं, मैं इनमें से पढ़ता रहता हूँ। जब भी मैं आपको को जो मैं स्क्वेरल्स का वीडियो दिखाया था ना, तो उसमें से उन भाई साहब ने बोला है कि लीव सम फूड फॉर स्क्वेरल। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो जो हमारे जो स्क्वेरल्स हैं ना, उनका हम लोग खाना नहीं डालते, चिड़ियों का खाना पड़ा है हमारे पास। ये बर्ड फूड है, बर्ड फूड। और यहाँ पर ये वाले जो बादाम है ना, आप देख रहे हो आलमंड्स, ये देते हैं हम लोग स्क्वेरल्स को। और ये भी पीनट्स पड़े हैं और ये बर्ड्स के लिए। तो मोस्टली हम लोग क्या करते हैं कि जो बर्ड्स का खाना है बर्ड्स को जाएगा और जो स्क्वेरल्स का खाना है वो स्क्वेरल को जाएगा। बट क्या है ना कि थोड़ा सा प्रिकॉशन लेने की कोशिश करते हैं हम लोग, क्योंकि ये जो स्क्वेरल्स हैं ना, ये जंगली हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि उनको हम लोगों ने पालतू बना के रखा है। अगर पालतू होते तो अलग बात होती, अभी हम लोग यहाँ पर रहते हैं। बट अगर हम लोग यहाँ से शिफ्ट हो गए, मूव हो गए और जो दूसरे लोग यहाँ पर आए, उन्होंने उनको खाना नहीं डाला, बट वो लोग तो डिपेंडेंट रहेंगे ना, वो लोग बोलेंगे यार ये लोग खाना देते थे, वापस से खाना दो। तो हम लोग चिड़ियों का खाना लेके आएँ, क्योंकि उड़ के यहाँ से खाना नहीं मिला तो किधर और चले जाएंगे। बट स्क्विरल से यहीं रहते हैं, बट वो लोग क्या करते हैं, चिड़ियों का दाना भी आके खा लेते हैं कई बार। तो ऐसा ही चल रहा है। और मैं बहुत जल्दी एक मेरी वीडियो एडिटिंग के बारे में एक ब्लॉग बनाने वाला हूँ। बट प्लीज़ मुझे आप लोग मैसेज करके बताना कि आप लोग कैसे शूट करते हो, DSLR कैमरा से शूट करते हो, फ़ोन से शूट करते हो, कौन सा फ़ोन आपके पास है। तो उसमें से दो ऑप्शन निकालूंगा, एक तो आईफोन और एक DSLR से शूट कैसा करते हैं, जो कि मोस्टली B-roll। कि मैंने पहले भी बोला था कि 10,000 सब्सक्राइबर्स मेरे पूरे हो जाएंगे तो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि मैं अपनी वीडियोस के B-roll कैसे लेता हूं। तो मैं एक प्लानिंग करके अच्छे से ऐसा बनाऊं, एक वीडियो ऐसा बनाऊं कि आप लोग को ईजिली समझ में आ जाए कि यार ऐसा करेंगे तो B-roll अच्छा लगेगा। B-roll का मतलब जो सिनेमैटिक शॉट्स, अगर आपको पता नहीं है। छोटा सा सोचा था कि एक अपडेट दे दूँ कि यहाँ पर रात को क्या सिचुएशन हो जाती है। एक फुल फ्लेज्ड रात को व्लॉग बनाऊंगा जब गाड़ी लेके यहाँ से निकलूंगा, और सिर्फ व्लॉग बनाने के लिए ही जाऊंगा। आज तो मेरा सर दर्द था इसलिए गया था, बट ऐसे व्लॉग्स आते रहेंगे, घर के बीच बीच में डालता रहूँगा आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है, प्लीज़ उसमें कॉमेंट करके बताना कैसी लगी, लाइक करके ज़रूर जाना। और दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप मोटिवेटिंग, आई लव यू ऑल एंड प्लीज़ बी सेफ। बाय बाय, हैव अ गुड नाइट। और अगर आपने मेरे व्लॉग्स देखे हैं तो आपने तो दिन में इस जगह को तो देखा रहेगा ही, और अभी रात में भी इस जगह को देख लो, ये सारे घर। वो जो सामने वहाँ पर लड़का रहता है मुझे हमेशा बोलता है बियर चाहिए क्या। और ये मेरी गार्डन लाइट लेके आता हूँ, रुक जा आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, अच्छा है कि लाइट में पावर है, मस्त। ये देखो पूरा, ये मेरी गार्डन और सामने सारे घर, ये हमारे पड़ोसियों का घर, सारे सो रहे हैं। कोई डिस्टर्ब मत करो इनको, सारे जन सो रहे हैं और हम भी अभी थोड़े टाइम में खाना खाएंगे और सो जाएंगे।